सारे भाई है ना भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। इस टाइम भाई खरक गांव में आ रहा हूँ मैं। खरक गणे खरक है, खरक पूर्णिया, खरक खरक राम जी गणे गांव है, खरक कला। यो खरक कला है कि भिवानी और रोहतक रोड के रोहतक के बीच में, भिवानी और रोहतक के बीच में यो गाँव है भाई। और यहाँ से बड़े बड़े कलाकार भी हैं और बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हैं बहुत। लेकिन मैं यहाँ पे गरीब है परिवार उसके घर आया हूँ। और यड़े मराता वो भी खड़ा है, भाई भी खड़े हैं। इस भाई ने मेरे को बताया था इस घर के बारे में। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। भाई साहब कैसे हो आप? ठीक बढ़िया। अच्छा इस घर का आपने क्यों कर बना रखा है? गाँव का के सच में सच गरीब घर है? हाँ यो मेरे जो मोहल्ला ने जो सबसे गरीब घर यो है भाई। इस भाई ने मेरे पास वीडियो भेजी थी, जगदीप भाई इस घर की स्थिति जमा ख़त्म है और जमा बिरान मट्टी है, आके वीडियो बना दे। तो इस घर में कौन, चलो खड़े हैं ये इन तक बात कर ले। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है आपका? सरोज। सरोज। कोई मदद करना आवे तो के पूछ का आवे? आपके आदमी का के नाम है? श्री भगवान। श्री भगवान है? नहीं परिभु है? नहीं है। गुजर गए? गुजर गए भी। तो आप अकेले हो? कौन कौन आपके परिवार? हम अकेले हैं जी, चार लड़के लड़की है मेरे पास। चार लड़कियां लड़कियां हैं? चार लड़कियां लड़कियां हैं। अकेली है भैया महिला और इनके चार बेटी हैं और आगे कोई देवर जेठ कोई कुछ नहीं है? कोई नहीं, सारा किसी देवर जेठ का। देखो भाई सिर्फ फाइनेंशियली इतने, देखो आप समझो, यो मकान 10 फुट नीचे बैठ लिया जा लिया और यो ऊपर देख लो यो तरपाल बिछा रखी है। बारिश आली जी? हां जी आली बारिश, कल चो आया घर में भी आली। हां चो आया सांझ को। देखो भाई ऊपर यो तरपाल है बिछा रखा है, इस तरपाल देख के बचता होगा मेरे ख्याल से, मन तो लगता नहीं कुछ बचा है। अरे कितनी बुरी स्थिति है, एक ताऊ भी खड़ा है इससे बतला ला। ताऊ राम राम। राम राम जी। ताऊ के कहना चाहो यो घर के बारे में, कंडीशन जमा ही खत्म हुई या जी? मारा गांव में सबसे गरीब है ना, इसका कोई धनी धनी गुजर रहा है या काम पर जाए अकेली से, उसमें भी नुका दे सक या अकेली क्यों जा है। और इसका कोई ऐसा समाधान हो जाए मकान बन जाए। दस फुट तो भी फालतू नीचे बैठ रहा से, ऊपर तो सारा तरह डारिश है टपके चोआ है, बरसात में बहाना रहा। चार छोरी ना छोरा को नहीं, कोई छोरी छोरी है क्या? सोच ले 5-4 साल में कोई छोरा बालक को तो घबरू हो जाए फिर कर ले ना, कोई छोरी छोरी है फिर घरवाला गुजर गया। और ये कोई समाधान कोई ना, कुछ को ना। और छोरी भी बहन चौकी हो रही है, कोई ना कोई समाधान इसके मकान का होना चाहिए जी। हम तो यह कहा सरपंच, सरपंच तो बात हुई कि मैं सरपंच को ना जी काम का, सरपंच तो घटिया से घटिया है। सरपंच आके कहना उन्हें या बीडीओ सेक्रेटरी ने कह जी, वो भी मदद करे ये भी करे। सरपंच था इनका खुद का धानक, वो घटिया इस पर नुआ के कह दे 500 रुपये दे दे, मैं तेरी लैटरिंग बनवा दूंगा, तेरा मकान का लोन तो पास करवा दूंगा, 500 रुपये सब पर ले गया है। अच्छा हाँ तो और किसी का काम नहीं करया। भाई आपका ये जात बिरादरी का या बात? घर का हाँ बिल्कुल, उसने कोई समाधान नहीं करया मारे नानका में। और ये डाल के करी बात करना है था, करना चाहिए था हक नहीं? मारो भर के भी दुख मान रहे थे इसका नहीं को गया, हम के ग्राम भी से था। ठीक बात है। हाँ ना तो हम गाँव में घने थे साहूकार खड़े होके करवाऊँ तो करवा भी देंगे, मगर सरपंच पा नहीं लिए और नुकर देता इन्हें 500 रुपये देते, तेरा मकान पास कराऊँ छू। देखो भाई गरीब के गिले कितनी बरान मट्टी है, नुकह दे हैं भाई अपना मार का छाम है तो गिर दे है, नुकह करें कहावत है जात के ऊपर आके बात। लेकिन यह बात याड़े भी इतनी कसूती चल रही है भाई। घर देखो भाइयो जमा खत्म होया पड़ा है, बिल्कुल डैमेज। यो पेड़ियाँ के नीचे देखियो, उसके नीचे मट्टी नहीं कुछ नहीं जुगाड़ है। एक बार ऊपर चल के देखा जी, देख ले।
अच्छा भाई ध्यान ताइयो मन लगे कद घरे ढह जावे कोई बात नहीं हेलो 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 चलो ठीक है। तो भाई अभी यो चूल्हा भाई इनका चूल्हा भी देख लो कि सा है समझो आदमी चूल्हा एक नू तो हो जाए गोबर तली पर रखे हो। देखो भाई यार कितनी तो कितना तो स्पेस पड़ा क्यों करी वो घर में रहे हैं लोग। देखियो जमाई खत्म हुई पड़ी है स्थिति या और आपने मैं अंदर चल के दिखा दूं भाई देख लें जी अंदर आपका देखो भाई घर में रहने ना हो जगह हो ना हो मंदिर की जगह जरूर है भाई मंदिर। एक बार इस पंखे ना बंद करो बहन जी आप देखो भाई इतनी गर्मी पड़े है और यू बल्लब 100 वाट का इतनी गर्मी फेंक है कुकर वो आदमी अड़े यहाँ पे आके अगर ये जगह दिखाई जावे देखो भाई हम थोड़ा सा दिखा पान में थोड़े से सक्षम कम हाँ आप इस जगह को समझो या ये जो गेट पाड़ गए और उसका सौदा जुगाड़ रखे भाई ये देखो इस साइड ये दीवार खाली है आर पार है और आपने मैं इस साइड से दिखाऊं यू आर पार है छात के ऊपर पोलोथिन बिछा रखा है तरपाल और तरपाल के साइड में यू अलगता है और ये कड़ी काट है देखो ये कड़ी काट जमा खत्म हुई पड़ी है भाई यहाँ पे क्या स्थिति इस घर की है। देखो भाई सच बात है यार भाई हम बड़े बड़े घर में रहो वहाँ शायद उसका है या वीडियो देख के ज्ञान पेल देवा ज्ञान तो हमारे में बहुत ज़्यादा है ऐसे ऐसे घर ने देख के और एसी के कमरे में बैठ के ज्ञान पेल देवा ये मेहनत नहीं कर दे रू नहीं कर दे रू नहीं कर दे मेहनत करके इस घर में रहो भाई ये और यहाँ पे ये देखो ये सारा सौदा चून आला है देखियो जमा खत्म हो लिया भाई देखो इस घर में कोई लड़का नहीं है सिर्फ 4 लड़कियां हैं खरक गांव यहाँ पे आके भाई मदद करो बहुत ज्यादा जरूरत है। ये आपके आपके ही बालक हैं जी अच्छा देखो भाई ये टूट टा पड़ा सारा सुधार है आ जाओ भाई बार भाई आपने घर तो लिया देख आ जाओ हाँ आपके बैंक अकाउंट की कॉपी लाइयो जी जोन सा चलता हो कोई बात नहीं एक बार और ला दो राम राम जी राम राम जी के कुछ कहना आपका इस घर को लेकर इसका गरीब लुगाई बेचारी बनना चाहिए हर कोई बना नहीं रहा इसका हर कोई बना नहीं रहा ना सरपंच ध्यान दे ना कोई इस गांव में तो है नहीं कोई इतने खड्डे मेरा वहां मेरे वहां खुद का मकान राशन कार्ड नहीं देखो भाई अरे यार है जी देखो भाई राम राम भाई क्या कहना चाहोगे भाई मकान तो इस मोहल्ले में इसे भी नीचे पड़ रहे हैं बहुत ज्यादा हैं फिर मारी तो यह इच्छा भाई इसका काम जल्दी हो ये मकान पहला बने इसने ज्यादा जरूरत हाँ भाई और का देख के कमानिया भी है इसका फिर कोई भी नहीं कमानिया तो नहीं 4 लड़की हैं एक दो हाँ देखो भाई कोई आगे पीछे नहीं है सिर्फ 4 लड़कियां हैं और भाई घर की स्थिति आपने देख ली खरक गांव जो भिवानी और रोहतक के बीच में वो गांव है भाई यहां पे बड़े बड़े कलाकार भी हैं और बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हैं जो आपके दिल्ली गुड़गांव चंडीगढ़ फरीदाबाद मुंबई दाएं बाएं रहे हैं विदेशों में भी इस गाँव के बहुत बालक जा रहे हैं MLA भी अड़े गए है लो भाई इस तरह बड़ी बात की होगी जिला पार्षद भी अड़ेगा है अरे सरपंच भी आपकी यहाँ इस बिरादरी का ही है फिलहाल तो नहीं है वो उतार दी और सरपंच जी फिलहाल तो उनके दौरे भी हो या कौन है 10 साल हो गए या सरकार आई है जब तक ये भी एक मकान तो किसी का बनाया आया ही नहीं पास हो गया ना किसी घर के भी नहीं है भाई इसकी आई है ये लेटरिंग बाथरूम आए थे ये
इनके भी पैसे नहीं आए हैं, किसी भाई के किसी ने मिले हैं, किसी ने नहीं मिले। यो के लिए जी आप राशन कार्ड नहीं चाहिए, बैंक खाता लाओ जी। अच्छा बैंक खाते की कॉपी है, यो चले भी है ना आपका? हाँ ये चल रहा है, वो कॉपी मेरी खो गई थी। इसमें अकाउंट नंबर वगैरह कुछ दिखता तो कोनी जी? अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो मैंने फोटो खींच रखी थी, कोई बात नहीं। या कल वाली होगी जी है ना? ठीक कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो भाई क्या नाम है जी आपका? सरोज नाम है। तो भाई इस भाई ने मेरे द्वारा फोटो भेज दी थी इस बैंक अकाउंट की, और सारी डिटेल थी मेरे द्वारा, रहने देखो दिखा छोड़ दे इसने। तो भाई खरक गांव में इस परिवार के 4 गुड़िया हैं और खर्चे आगे की आगे हैं, ब्याह दे में उसके बाद भी खर्चे हैं। तो भाई ऐसे परिवार की मदद करो और आगे आओ, जरूरत है इनाने। मैं कहूँ भाई कोई लोग मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जित भी दान करो ना, उड़न छोड़ दो, यहाँ पर आकर दान करो। असली जरूरत असली मदद इनाना है। इस परिवार के मुंह पर हंसी आओगी, इसकी गुड़िया खुश होंगी, तो वह मारे लगेगी और पाप करके मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में जाऊंगे उसका कोई फायदा नहीं भाई। तो जो भी जिस दौरे थोड़ी सी ब्लैक मनी है याडे करो, दुआएं आपने मिलेंगी और आपका काम भी बढ़ेगा भाई। और कितनी हम इस टाइप की बात कर रहे हैं, लेकिन एट प्रेजेंट आज इस परिवार ने ज़रूरत है। यह वीडियो सिर्फ इतनी है, सिर्फ एक गरीब परिवार की मदद के लिए। आप अपनी राय जरूर दे दीजिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। देखो एक बात यह है, लेटरिन बाथरूम नहीं है इस घर में, 4 गुड़िया हैं, 5वीं या तो ये आप नू समझो कितनी बरान माटी इस परिवार की होगी। सही बात है वैसे। चलो भाई समस्या को समझियो, जरूरी लग गए तो इस गांव में आ जाइयो। अड़े वीडियो के शुरू में एड्रेस भी बता दिया था भाई, इन्होंने बता दिया था किस कारण है आपने, और यहाँ पे आके अपनी स्थिति के हिसाब से गुंजाइश के हिसाब से इस परिवार की मदद करके जाओ। यह वीडियो इतनी है, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय।